नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग एंटरटेनमेंट पर एक बार फिर से स्वागत। साथियों, दिल्ली में माननीय महेंद्र पाल सिंह धानगर जी जो भूख हड़ताल और 25 नवंबर 2018 को जो महा आंदोलन करने जा रहे हैं, वह किसी एक व्यक्ति या किसी संगठन के फायदे के लिए नहीं है। यह तो हम सभी निवेशकों के लिए एक मौका है कि हम सभी निवेशक अपनी पीड़ा को इस गूंगी बहरी सरकार को दिखा सके। और साथियों, जो लोग सोचते हैं कि कानूनी कार्यवाही या फिर मारपीट करके हम सभी निवेशकों का पैसा मिल जाएगा, जैसे कि हमारे द जीरो वाले भाई मानते हैं, तो साथियों हम आपको बता दें कि भारत देश का जो कानून है वो इंसाफ नहीं सिर्फ तारीख देता है। और शायद यह बात द जीरो वाले भाई को अच्छी तरह मालूम होगी। और साथियों, अगर मारपीट से हम सोचते हैं कि हमें हमारा पैसा मिल जाएगा, तो मारपीट से ना किसी का पैसा मिला है और ना ही कभी किसी का पैसा मिलेगा। और साथियों, जो लोग सोचते हैं कि इस भूख हड़ताल से कुछ नहीं होने वाला है, तो वे लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और साथियों, आप सभी लोगों से फिर से वही गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक और हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि PSEL और अन्य चीट फंड कंपनियों की जानकारी सबसे पहले पाएं। साथियों, 25 नवंबर 2018 को आंदोलन नहीं महा आंदोलन होने जा रहा है और इस आंदोलन की चार मुख्य मांगे हैं। तो चलिए साथियों, जान लेते हैं इस महा आंदोलन की चार मुख्य मांगे क्या है। और साथियों, अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए। तो सबसे पहली मांग है, सरकार या सेबी द्वारा बंद सभी रियल इस्टेट कंपनियों का 2018 में ही ब्याज सहित भुगतान करें। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही बात है, भुगतान तो 2018 में ही होना चाहिए। तो चलिए साथियों, अब जानते हैं दूसरी मांग क्या है। सरकार या सेबी द्वारा बंद सभी रियल एस्टेट कंपनियों के एजेंटों को रोजगार प्रदान करें। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि कंपनियां बंद हो जाने के कारण कितने लोग बेरोजगार हो गए। अब चलिए साथियों, जान लेते हैं तीसरी मांग क्या है। भुगतान की प्रक्रिया को सुचारू बनाने व निवेशकों की समस्याओं को हल करने हेतु कमेटी का गठन करें। यह मांग भी सही है, क्योंकि साथियों सभी निवेशकों को उनका हक मिलना चाहिए। और अब साथियों, चलिए जानते हैं चौथी और अंतिम मांग क्या है। पल्स कंपनी को सरकार पूर्ण रूप से अपने अधीन कर पल्स फाइनेंस बैंक नाम देकर वृद्ध एजेंटों की संतानों को रोजगार प्रदान करें। तो साथियों, अगर यह महा आंदोलन सफल होता है तो इस आंदोलन की चार मांगे पूर्ण होगी। लेकिन साथियों, यह महा आंदोलन कुछ चंद लोगों द्वारा सफल नहीं हो पाएगा। साथियों, इस महा आंदोलन में आप सभी निवेशकों के योगदान की जरूरत पड़ेगी। तो साथियों, इस वीडियो को करिए अपने दोस्तों को शेयर और कर लीजिए 25 नवंबर 2018 को इस महा आंदोलन में शामिल होने की तैयारी, क्योंकि साथियों अकेला पेड़ कभी न कभी सूख ही जाता है। तो साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिख रहे आइकॉन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा लें, ताकि PSEL और अन्य चिट फंड कंपनी से जुड़ी जानकारी आप लोगों को मिल। ठीक है।